नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से फिलहाल हूँ पटना में और निकला हूँ पप्पू यादव जी के घर पे जाने के लिए। वहां पर जो लंगर लग रहा है, जो गरीब और मजबूर लोगों को जो निवाला देने का काम पप्पू यादव जी कर रहे हैं, वो देखने में जा रहा हूँ। और मुझे जहां तक एहसास होता है कि 14 दिन आज पूरे हो गए हैं, पप्पू यादव जी आज जेल में हैं, और शायद उस वजह से जो एक खुले तौर पर एक लंगर चल रहा था और लोगों तक ये पहुंच रहा था, उसमें अब दिक्कतें आने शुरू हो जाएंगी और हो रही हैं, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हम सबकी जिम्मेदारी होती है। मैंने जब भी आप लोगों से मदद की अपील की है या फिर निवेदन किया है, आप लोगों ने दिल खोल कर मदद किया है। उसी का नतीजा था कि कल बेतिया में जाकर उस बिचारी 9 साल की बच्ची का, जिसका बलात्कार हुआ था और गला ब्लेड से काट कर उसकी हत्या करने का प्रयास किया था, लेकिन सौभाग्य से हम लोगों की दुआओं की वजह से वो बच गई। आज वो अपनी जिंदगी जी रही है। कल जाके हम लोगों ने जिस तरह से उस परिवार को आर्थिक मदद पहुंचाई, आप लोगों का दिया हुआ वहां तक मैंने पहुंचाया है। तो वापस से ये हम सबकी जिम्मेदारी हो गई है कि पप्पू यादव जी भले जेल में हैं, लेकिन हम सब पप्पू यादव हैं और उनका जो उद्देश्य, उनका जो सपना है, उसे हमें जिंदा रखना है जब तक वो छूट नहीं जाते। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप तमाम लोग आगे आएं और जिस तरह से एक आर्थिक मदद आप लोगों ने हमेशा भेजी है, अब पप्पू यादव के लंगर के लिए जो सेवा वो कर रहे हैं, उसमें कहीं आर्थिक रुकावट ना आए, वो हम सबको देखना है, हम सबकी जिम्मेदारी है, हम सबका ये दायित्व है, उसे आगे बढ़ाना है। मैं निवेदन करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचाएं और ग्राउंड पे पटना में उनके जहां पे खाना बन रहा है, लंगर बन रहा है, उसकी स्थिति मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूं, इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। और अगर मुमकिन होगा, भले एक व्यक्ति का भोजन का अरेंजमेंट अगर आप कर सकते हैं तो आगे आए, मदद भेजें, ताकि ये जो लंगर है ये लगातार चालू रहे और पप्पू यादव जी को कहीं से भी ये न लगे कि देश उनके साथ नहीं है। फिलहाल हूँ उस जगह पर जहाँ पर एक मसीहा बसता है, ऊपर उनका मकान है और नीचे आप जो लंगर देख रहे हैं, ये उस इंसान का है जो लगातार गरीबों को और बिहार के अंदर जो मरीज परिवार है उसको मदद करता आया है, और उसी का खामियाजा भुगतना पड़ा है कि वो आज जेल में है। मैं बात कर रहा हूँ पप्पू यादव की, जिनका लंगर यहाँ पे चल रहा है। लेकिन एक दुर्भाग्य की बात यह है कि अब ये लंगर जो है अपने आखिरी पड़ाव में है, क्योंकि जब से पप्पू यादव जी अंदर गए हैं, एक पिता का साया इस लंगर से छूट चुका है और बहुत सारे जो गरीब परिवारों को ये भोजन पहुंचाया जा रहा है, उसमें कहीं ना कहीं अब दिक्कतें आ रही हैं। कल जब मेरी बात हो रही थी प्रशासन के माध्यम से पप्पू यादव जी से, तो उन्होंने ये बात को बहुत गंभीरता से कहा कि विनय जी, चाहे मैं कितने भी महीने अंदर रह जाऊं, लेकिन मेरा जो लंगर है, मेरी जो सुविधाएं हैं जो मेरी टीम मिलकर कर रही है, उसे जिंदा रखने का प्रयास करिएगा। मैं मुंबई से आया हूं और अभी थोड़ी देर के बाद आज आपको एक जानकारी भी देना चाहूंगा। अभी कुछ घंटों के बाद ही पप्पू यादव जी की सुनवाई है, लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों जगह चलने वाली है, आज सुनवाई होनी है। तो शाम तक ये पता चल जाएगा कि आखिर उसका हुआ क्या है। लेकिन साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो लंगर है ये लगातार चल रहा है, और यहाँ पे हमारे टीम से, सोशल एक्टिविस्टों की टीम से बनारस वाले मिश्रा जी भी आए हुए हैं, जो अपना योगदान वहाँ पे दे रहे हैं। ये वही लंगर है जहाँ से दिन भर हजारों लोगों को भोजन पहुँचाया जाता है, जो अस्पतालों में मरीज हैं, जो रस्तों पे अपने परिवारों के लिए परेशान हैं। इस तरह के आप देख सकते हैं पैकेट्स यहाँ पे बनाए जा रहे हैं, जो एक आदमी के लिए सक्षम है, जो एक इंसान अपना पेट, भूखा पेट जो है पूरा कर सकता है। इस तरह की व्यवस्थाएं पप्पू यादव द्वारा दी जा रही है। ये वीडियो बनाने का खास मकसद ये है कि अगर पप्पू यादव जी नहीं है, जेल में है या फिर कहीं दिक्कत में है, तो ये हम सब की जिम्मेदारी हो जाती है कि इस मुहिम को जिंदा रखना है। आप तमाम लोगों से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जो भी बिहार या पटना के आसपास है, कृपया समय निकाल कर इस जगह पर आए और अपना सहयोग यहाँ पर दे। आप चाहे जिस माध्यम से मदद करना चाहते हैं, उस माध्यम से आप आकर यहाँ पर पप्पू यादव जी की टीम के साथ जुड़े। उत्तरी मंदिरी है, इनकम टैक्स गोलंबर से आप उत्तर की दिशा में चलेंगे, नाले के बगल से क्वालिटी कॉम्प्लेक्स, जहाँ किसी से भी पूछेगा पप्पू यादव जी का आवास जाना है, हर कोई बता देगा। उनके आवास में ही ये सेवा दल का कार्यक्रम चल रहा है लगातार, और निरंतर ये 24 दिनों से चल रही है। और सभी तमाम जितने भी रैन बसेरा में रह रहे हैं, फुटपाथी हैं, रिक्शा चालक हैं, ठेला चालक हैं, और कई जगह से फ़ोन के माध्यम से हमारे पास फ़ोन जो आते हैं वहाँ भी, और सरकारी हॉस्पिटल एम्स, महावीर वत्सल, IGMS, तमाम हॉस्पिटलों में भी निरंतर भोजन जा रही है। ये जो भोजन बन रहा है, ये अस्पताल के बाहर जो मरीजों, जिनके मरीज अस्पताल में हैं और बाहर बेचारे वो तकलीफ में हैं, जिनको सरकार ने लावारिस छोड़ दिया है,
आज एक सरकार की जो जिम्मेदारी होती है उसे छोड़कर आज जो सरकार का काम पप्पू यादव की टीम उनका सेवा दल की टीम कर रही है, तो कहीं ना कहीं ये हम सबकी जिम्मेदारी होती है कि अब हर किसी को पप्पू यादव बनना पड़ेगा, बाहर निकल के उन लोगों की मदद करनी पड़ेगी जो मुहिम पप्पू यादव चलाए हैं उसे आगे करना पड़ेगा। अगर आप पटना और बिहार के आसपास हैं तो आप यहाँ पे आकर जो पता अभी भाई साहब ने बताया है वहाँ पर आकर आप सामने से आके यहाँ पे मदद करें और इसमें कंट्रीब्यूशन करें। ये वीडियो बनाने की एक अपील मेरे से है क्योंकि पप्पू यादव जी से जब इस मामले पर बात हुई तो उन्होंने कहा था इस मुहिम को जिंदा रखना है क्योंकि ये गरीब और निचले तबके की मुहिम है जो दो वक्त का भोजन यहाँ पे दे रही है, इसे जिंदा रखना है। तो आप तमाम लोगों से निवेदन है इस आंदोलन में जुड़े और जो भी सहयोग यहाँ पर आकर आप करना चाहते हैं या आपके आसपास जो भी जन अधिकार पार्टी के जो भी जाप पार्टी के जो भी कार्यकर्ता या पदाधिकारी हैं उनसे संपर्क कर सकते हैं और जिस तरह से भी आप इसमें सेवा में सहयोगी कर सकते हैं करें। आज के मेनू में सब्जी पूरी है, कल बना था चावल कढ़ी, फिर कल है छोले और चावल है, अलग अलग दिन का अलग अलग दिन मेनू है। 15,000 लोगों से ये आंकड़ा 8 से 9,000 तक आया है और जैसे जैसे अगर पप्पू यादव और कोई दिन अंदर रह जाएंगे तो शायद और ये आंकड़ा नीचे आ सकता है, लेकिन इनकी उम्मीदें और जज्बे बने हुए हैं। जिस तरह से ये अभी भी हार मानने को तैयार नहीं है उसके बावजूद इनका जो लड़ाकू जज्बा है वो दिखाता है कि अगर इंसानियत अगर किसी के अंदर है और कोई लड़ रहा है बिहार में सही में जमीन आम जनता के लिए तो पप्पू यादव और उनकी टीम और इस सेवा दल के लोग हैं जो जमीनी स्तर पर उतर के लोगों का पेट में निवाले भर रहे हैं, एक पुण्य का काम है। और अगर आप तमाम लोग भी इसमें हाथ लगा देंगे तो कहीं ना कहीं ये मुहिम बड़े लेवल पे की जा सकती है और ये मुहिम को पूरा विश्व जानने लगा है, तो कहीं ना कहीं ये अब हम सबकी जिम्मेदारी है पप्पू यादव जी का जो सपना है उसे जिंदा रखना है। मेरे बहुत करीबी मित्र हैं, मेरे बड़े भाई हैं, इस मुहिम को हम हमेशा जिंदा रखेंगे और कोशिश रहेगी कि जो भी अपनी तरफ से हम कर पाएंगे उसे करते रहेंगे। बाकी आज शाम को थोड़ी देर के बाद हम लोग दरभंगा पहुँचेंगे और वहाँ से पप्पू यादव जी से जो भी हालचाल है या जो भी कोर्ट की सुनवाई है उसकी जानकारी आप तक पहुँचाएंगे। ये यथास्थिति है यहाँ पर पप्पू यादव के घर पे, इस समय मैं मौजूद हूँ और जो लंगर लग रहा है उसकी ये स्थिति है। थोड़े दिनों के बाद मुझे लग रहा है 2-4 दिनों के बाद सारे सामान खत्म हो जाएंगे और वापस से ये जो मुहिम है जो सपना है पप्पू यादव जी का कि गोर गरीब जनता तक मजबूर जनता तक दो निवाला पहुंचे वो रुक जाएगा। मैं तमाम लोगों से निवेदन करता हूं कि अगर अभी भी आपके अंदर इंसानियत बाकी है और आपने हमेशा मेरा साथ दिया है तो आइए इस पुण्य के काम में आप वापस साथ दीजिए। जो भी आर्थिक मदद इस पे आप भेजना चाहते हैं मेरे गूगल पे फोन पे पेटीएम और यूपीआई नंबर 9867225779 इस नंबर पर आप भेजिए। मैं पटना बैठा हूँ और यहाँ से ये मुहिम अब बड़े लेवल पे ले जाएंगे। पटना में जो लंगर लगाया जा रहा है इसे अब बड़े स्तर पर ले जाएंगे। कहीं ना कहीं ये हमारी जिम्मेदारी है और अगर आप चाहते हैं तो अपना अनुदान सीधे पप्पू यादव जी की टीम के पास भेज सकते हैं। बहुत सारे सोशल मीडिया पे आप चेक कर सकते हैं, उन्होंने बाकायदा अपना डिटेल्स अकाउंट नंबर डिटेल्स वगैरह दी है, आप उस पर भी मदद भेज सकते हैं या सामान लेकर सीधा पप्पू यादव जी के ऑफिस में पहुंच के उसमें भी योगदान दीजिए। और मैं निवेदन करूंगा ये करने के लिए कृपया आगे आए क्योंकि आपका दिया हुआ कुछ राशन भोजन या फिर आर्थिक मदद किसी के पेट की भूख मिटाता है और यही सपना पप्पू यादव का है और इस समय हम सबको ये आगे आकर इस सपने को जिंदा रखना है और पप्पू यादव को ये एहसास कराना है कि भले आप जेल में हैं लेकिन आपका जो विचार है, आपकी जो विचारधारा है, आपकी जो कार्य है, आपका जो सपना है वो कभी टूटेगा नहीं, कभी रुकेगा नहीं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।